मैं सुमन चौधरी मोतीपुर प्रखंड बरियारपुर दक्षिणी पंचायत से वार्ड नंबर 11 से बोल रहा हूँ। जिस समय नल जल का शुरुआत हुआ और उस समय टावर लगाने के लिए नल जल का जमीनों के लिए काफ़ी परेशानी का झेलना सामना करना कि कहीं ज़मीन किसी को मिल नहीं रहा था कि कहाँ पर लगावे। जब गांव वालों से पूछा जाता था हो आप ज़मीन दीजिएगा तो कोई आदमी ज़मीन देने से नहीं सकार रहा था कि जमीन दे, सब लोग इनकार कर रहा था कि यहाँ तो एक कट्ठा में अगर एक डनेर का झगड़ा एक इंची के लिए कहीं झगड़ा होता है तो खून खराब और मारपीट सब कुछ हो जाता है और उतना बड़ा बड़ा ज़मीन कौन देगा। तो उस समय हुआ क्या कि वार्ड सदस्य जिनके पास खुद का ज़मीन था अब देखा कि जब आम पब्लिक ज़मीन दे ही नहीं रहा है तो हमें तो कहीं ना कहीं लगाना है, जब कोई नहीं देगा तो हम कहाँ लगाएं। तो मजबूरी बस विवश होकर के अपने कोई अपने दरवाजे पर तो कोई अपने खेत में तो कोई कहीं कहीं लगाया। जब आज ज़मीन जो वार्ड सदस्य दान में दिए हैं यह कीमती ज़मीन नल जल योजना में और आज जब अनुरक्षक की बहाली हो रही है अनुरक्षक के लिए जब आज वार्ड सदस्य कह रहे हैं कि जब हम ज़मीन दिए हैं एक साल से पानी हम चला रहे हैं 6 महीने से पानी हम चला रहे हैं हमको कोई रोज तो नहीं दे रहा है हमको कोई महीना तो नहीं दे रहा है हम सरकार की संपत्ति को आज तक अपने सुरक्षा में रखे हुए हैं और सही सलामत पानी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और दे रहे हैं आगे भी यहाँ तक कि कहीं नल खराब हो जा रहा है अपना सरकार पैसा नहीं दे रही है नल लगाने के लिए पब्लिक भी पैसा नहीं दे रही है। हम लोग अपना पैसा से अपना कोदारी चला करके अपना ऋण छतौरी से जा करके दिन भर किसी का नल बना रहे हैं किसी का पाइप बना रहे हैं तो कभी टंकी खराब हो रहा है तो कभी मशीन खराब हो रहा है सारी काम जब वार्ड सदस्य कर रहा है तो आज बहाल कौन होगा। गांव के लोग बाहर के लोग इधर उधर का लोग फिर वार्ड सदस्य से आज तक यह काम क्यों करवाया जा रहा है। आज हमारा हक है आज हमारा मांग है कि जब हम ज़मीन दिए हैं हम लोग साल दो साल से काम कर रहे हैं तो अनुरक्षक के बहाली के लिए वार्ड सदस्य का ही होना चाहिए। आज सचिव कहता है चाहे सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी वगैरह कुछ इस तरह का आया है कि नहीं आया है हम लोग को पता तो नहीं है लेकिन सुनने में आता है कि सचिव क्या जानता है इसके बारे में नल जल के बारे में। कौन सचिव जो है जो आज खुदारी चलाया है चाहे नल जल में खराबी बनाया है चाहे कोई कार्य किया है। जब सारी कार्य सारी जिम्मेवारी वार्ड सदस्य के ऊपर है तो अनुरक्षक के लिए हम मांग करते हैं सारे अधिकारी लोगों से सरकार से वार्ड सदस्य के ऊपर ही छोड़ा जाए तो वार्ड सदस्य अपने उसमें बहाल होंगे या किसी और को करेंगे। इसके लिए मैं सारे अधिकारी लोगों को आभारी रहूंगा और निवेदन करता हूं उन लोगों से कि यह काम जो है वार्ड सदस्य को ही। अच्छा आपने कहा कि हमारे वार्ड में सरकारी ज़मीन नहीं है या कोई नहीं दे रहा है तो जब सरकारी ज़मीन नहीं है कोई नहीं दे रहा है तो फिर नल जल का बोर्डिंग हलेगा कहाँ। तो इसके लिए संबंधित अधिकारी को सूचना किए थे आप क्या गया? उस समय तो सरकारी आदमी तो कोई गांव में आता ही नहीं था देखने नहीं आया पूछने नहीं आया सारी जवाबदेही सारी जिम्मेदारी सदस्य के पास वार्ड सदस्य उस समय पागल की तरह हो गया था और प्रेशर बनाया जा रहा था वार्ड सदस्य पर जल्दी काम कीजिए नहीं तो फरियाद होगा केस होगा यह होगा वह होगा। तो अब वार्ड सदस्य को इतना ब्लॉक जाने का चाहे जिला में जाने का समय कहाँ था वहाँ तो टॉर्चर हो गया था माइनरी डिस्टर्ब इतना था कि हमें काम करके देना है चाहे जैसे नहीं तो जल जाना काम करके दे। अब एग्जाम्पल तौर पर आपको बता दूँ कि मेरे ही पंचायत में करोड़ों रुपया का सरकार भवन सरकारी ज़मीन पर बना है और वहाँ जाकर देखा जाए कि ईंट पत्थर मार करके दरवाज़ा को तोड़ दिया गया शीशा को तोड़ दिया गया सरकारी ज़मीन पर करोड़ों रुपये की संपत्ति जब नुकसान हो रहा है तो अगर हम सरकारी ज़मीन पर कहीं अगर और जगह बना देते तो क्या नल जल रहता। और हम अपना वार्ड की बात कर रहे हैं तो नल जल मैंने सरकारी स्कूल तक पहुँचाया जो स्कूल में एक बार नहीं कई बार नल जल को तोड़ दिया गया बर्बाद कर दिया गया मतलब बार बार हम लोग सरकारी स्तर पर जो जहाँ जहाँ भी पर हम लोग नल जल पहुँचा रहे हैं वो सब क्षति हो रहा है और उस क्षति का सामना हमें करना पड़ता है उसका सारी जिम्मेदारी हमारी है। कोई अनुरक्षक आज तक आया नहीं है
जिसको सचिव, जिस ना कोई सचिव आया है, सब कुछ जब हम कर रहे हैं तो अनुरक्षक में बहाल कौन होगा। तो वीडियो साहब का कहना है, मोतीपुर वीडियो का कहना है कि कहीं कहीं काम कमजोर हुआ है, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? कमजोर काम हुआ है या बढ़िया काम हुआ है, कमजोर काम हुआ है या बढ़िया काम हुआ है, ये तो इंजीनियर साहब जानते हैं। सरकार जो है इंजीनियर को बहाली क्यों किया गया? सरकार तनख्वाह किसको देती है? इंजीनियर को ना देती है। पढ़ाकर किसको भेजा गया? इंजीनियर को भेजा गया ना। इंजीनियर को ना पता है कि हाँ यह काम खराब है कि बढ़िया है। हम वार्ड सदस्य लोग तो काम अच्छा से अच्छा ही समझ कर किए हैं, हम लोग को कोई काम खराब किए नहीं है। खराब है या अच्छा है तो इंजीनियर के जवाब दीजिए। अगर जिस समय हम काम करा रहे थे उस समय इंजीनियर मेरे पास क्यों नहीं आया, रोका क्यों? बताया कि काम खराब है। अगर वो बताते तो काम तो खराब नहीं होता, मेरा काम तो बढ़िया होता, उस समय घर में क्यों सोए हुए थे? और वो इंजीनियर सब आज आकर कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, इसका जवाब नहीं वार्ड क्यों देगा? इंजीनियर जवाब दे, अगर खराब काम हुआ है इसका सारा जवाब दे। इंजीनियर का है, सस्पेंड करे तो इंजीनियर को करे और मुकदमा करे तो इंजीनियर पर करे। आपका नाम? चुमन चौधरी, बरियारपुर दसवीं पंचायत, मोतीपुर प्रखंड।